नमस्कार, मैं डॉक्टर डेजी कुजू, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय कोरबा छत्तीसगढ़ से। आज मैं एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर के छात्राओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र छायावादोत्तर काव्य पर एक व्याख्यान लेकर आई हूँ। इकाई 4 श्रीकांत वर्मा की काव्यगत विशेषताओं पर आज का यह व्याख्यान आधारित है। कवि श्रीकांत वर्मा के हिंदी काव्य जगत में आने से पूर्व नई कविता इंद्रधनुष, धूप, तितली, गुलाम, परिवार आदि के इर्द गिर्द घूम रही थी। उन्होंने नई कविता को इस लोक से निकालकर महानगर के बीचों बीच खड़ा कर दिया, जहां नैराश्य है, आत्मघात है। उन्होंने नई कविता को सच्चे अर्थों में 20वीं शताब्दी की कविता में परिणत कर दिया। आइए अब हम श्रीकांत वर्मा का संक्षिप्त परिचय जान लें। श्रीकांत वर्मा जी का जन्म 18 सितंबर 1931 को बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। उनके पिता का नाम राजकिशोर वर्मा है, जो कि एक वकील थे और स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। उनकी माता श्रीमती सुमित्रा देवी हैं और उन्होंने दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से बीए किया है और एमए किया है, हिंदी में एमए किया है। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती वीणा वर्मा है, जो श्रीकांत वर्मा जी के मृत्यु के बाद राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए। उनके पुत्र का नाम अभिषेक वर्मा और उनकी मृत्यु, श्रीकांत वर्मा जी की मृत्यु 26 मई 1986 को न्यूयॉर्क अमेरिका में कैंसर से इलाज के दौरान हुई। श्रीकांत वर्मा जी का साहित्यिक पत्रिकाओं से जुड़ना। सन 1954 में बिलासपुर छत्तीसगढ़ से निकलने वाली साहित्यिक पत्रिका नई दिशा का श्रीकांत वर्मा जी ने संपादन किया, लेकिन वित्त कारणों से इसके केवल 2 ही अंक निकल पाए। 1956 में दिल्ली से नरेश मेहता के साथ मिलकर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के साप्ताहिक पत्र भारतीय श्रमिक के संपादन से वे जुड़े। कुछ वर्षों बाद यह पत्र भी बंद हो गया। एक बार फिर 1958 में वे नरेश मेहता के साथ मिलकर दिल्ली से साहित्यिक पत्रिका कृति का संपादन एवं प्रकाशन। कुछ दिनों बाद नरेश मेहता इस पत्रिका से अलग हो गए, लेकिन श्रीकांत वर्मा इससे जुड़े रहे और उनका साथ श्री कांतापित ने दिया। 1962 में इस पत्रिका का प्रकाशन बंद करना पड़ा। सन 1965 से 1977 तक टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन समूह की साहित्यिक पत्रिका दिनमान के भी विशेष संवाददाता भी रहे। इसके बाद उन्होंने साप्ताहिक पत्र प्रेक्षा का भी प्रकाशन किया है। 1984 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े पार्टी की हिंदी और अंग्रेजी मासिक पत्रिका कांग्रेस वर्णिका का संपादन किया। श्रीकांत वर्मा जी का राजनीति में आना। श्रीकांत वर्मा को राजनीति से जुड़ने एवं सक्रिय रहने की प्रेरणा घर से ही मिली। श्री राजकिशोर वर्मा पेशे से वकील थे, किंतु स्वाधीनता संग्राम सेनानी भी थे। महात्मा जी के आह्वान पर श्री राज किशोर वर्मा जी जेल भी गए। उन्होंने जिला कांग्रेस का दफ्तर अपने घर पर ही खोल रखा था और वे जिला कांग्रेस के महामंत्री भी रह चुके थे। 1963 में श्रीकांत वर्मा जी राम मनोहर लोहिया जी के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित हुए। 1964 में वे श्रीमती इंदिरा गांधी के संपर्क में आए। तब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की सूचना मंत्री थी। 1969 में वे श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी के विधिवत सदस्य बने। 1969 में कांग्रेस के वे महासचिव बनाए गए। 1986 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए। तब वे दिनमान के विशेष संवाददाता थे। राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण उन्हें मजबूरन 1977 में दिनमान से अलग होना पड़ा।
1980 में वे लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रचार संयोजक बनाए गए। 1982 में वे दूसरी बार मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए। दिसंबर 1984 के लोकसभा चुनाव के लिए श्री राजीव गांधी ने उन्हें पुनः पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का मुखिया बनाया। 1984-85 में वे संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष बनाए गए और 1985 में उन्हें कांग्रेस के महासचिव पद से त्याग पत्र देना पड़ा। आइए अब हम श्रीकांत वर्मा के काव्य संग्रह पर एक दृष्टि डालें। भटका मेघ उनका प्रथम काव्य संग्रह है जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ। माया दर्पण और दिनारंभ का प्रकाशन 1967 में। जलसाघर 1973, मगध 1983, गरुड़ किसने देखा 1986 में प्रकाशित। उनकी अन्य गद्य की विधाओं में रचित रचनाएं इस प्रकार से हैं। उपन्यास दूसरी बार 1968, उन्होंने दो और उपन्यास लिखे हैं लेकिन वो दोनों उपन्यास अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। कहानी संग्रह में झाड़ी, संवाद, घर, दूसरे के पैर, अर्थी, ठंड, वास, साथ आदि। उनका एक आलोचनात्मक पुस्तक भी प्रकाशित हुआ है जिसका नाम जिरह है और 1975 में उसका प्रकाशन हुआ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रीकांत वर्मा जी को तुलसी पुरस्कार 1973 में दिया गया। 1980 में उन्हें शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी पुरस्कार 1983 में। केरल सरकार द्वारा कुमार आशान राष्ट्र पुरस्कार 1984 में। और उनकी मृत्यु के बाद उनके काव्य संग्रह मगध के लिए उन्हें 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए अब हम श्रीकांत वर्मा जी के काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करें। श्रीकांत वर्मा जी की कविताओं में वर्तमान की भयावहता, आतंक, अन्याय, शोषण, अजनबीपन, उदासी तथा राजनीति और उसकी त्रासदी को उन्होंने शब्दबद्ध किया है। उनका साहित्य समाज और समय को पहचानने का प्रयत्न करता है। वे ऐसे सजग और संवेदनशील रचनाकार थे जो सत्ता में रहते हुए सत्ता की आलोचना का साहस रखते थे। उन्होंने नई कविता को रोमांटिक नवोत्थान का नाम दिया था। श्रीकांत वर्मा जब कवि के रूप में सामने आए तब हिंदी साहित्य में नई कविता का दौर चल रहा था। तार सप्तक और दूसरा सप्तक का प्रकाशन हो चुका था और श्रीकांत वर्मा ने इस काल की नई कविताओं को उन्होंने रोमांटिक नवोत्थान माना। नई कविता की सबसे बड़ी उपलब्धि वर्जनहीनता और अनुभव की विराटता थी। इस रोमांटिक नवोत्थान ने जाति परंपराओं के विकास की जिन संभावनाओं को ऐतिहासिक धरातल पर अनुभव किया वह उनकी अनुभूति का विवेक है। यह अनुभूति किसी एक व्यक्ति का नहीं वरन जातीय अनुभूति का विवेक है। नई कविता में निराशा, अनास्था, कुंठा, कटुता, घृणा आदि के स्वर मुखर थे किंतु श्रीकांत वर्मा इन स्वरों को जीवन की स्थितियां मानते थे। उनके अनुसार इन स्थितियों के ऊपर मानव की जीवंत एवं उच्चतर चित्तवृत्ति को देखने वाली दृष्टि होती है। जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण उनके पहले काव्य संग्रह भटका मेघ और सरहद पर भी देखा जा सकता है जहां आस्था के प्रखर स्वर को सुना भी जा सकता है। हर अनास्था, कुंठा और निराशा को काटती हुई उनकी कविताओं में एक अपूर्व उल्लास होता है। मन के इस उल्लास के कारण ही उनकी कविताओं में आस्था और विश्वास के स्वर गूंजते हैं। उनके लिए वर्तमान ही सब कुछ है। जो बीत गया सो बीत गया, उसके लिए रोते रहना जीवन नहीं है। जीवन में संघर्षों से जूझते रहना ही सत्य है और वही जीवन है। इसलिए उनकी कविताओं में किसान और कुम्हार जैसे पात्र हैं जो विकट परिस्थितियों में संघर्ष करते हैं। बिना फल की चिंता करे हुए वे निरंतर परिश्रम करते हुए पूर्ण विश्वास के साथ वे अपने कर्म में रत रहते हैं। उनकी कविताओं में प्रेम का भी चित्रण है। उनका प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए ना होकर देश के लिए, प्रकृति के लिए, मानव जाति के लिए। उनकी कविताओं में धरती के दुख को दूर करने की बेचैनी है, तड़प है, संघर्ष है। इस सबसे परे उसके प्रति अगाध प्रेम है जिसे उनकी कविताओं में आसानी से देखा जा सकता है। इसका सुंदर उदाहरण उनकी कविता भटका मेघ में देखने को मिलता है। इसमें आषाढ़ के मेघ की व्याकुलता का चित्रण है। मेघ को अलकापुरी जाना है लेकिन वह जानबूझकर रास्ता भटक जाता है
क्योंकि जब वो अलकापुरी के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे सूखे पेड़, जंगल और सूखे कुओं की पुकार सुनाई देती है और वह उनका दुख हरना चाहता है। वह वहीं ठहर जाता है और वह उस पृथ्वी का दुख हरना चाहता है जिसने उसे जन्म दिया। उसके लिए कोई भी त्याग करने को वह तत्पर है। उनकी कविता में प्रकृति का अद्भुत एवं अनुपम चित्रण है। उन्होंने प्रकृति को बिंब एवं प्रतीक के रूप में उपयोग किया। उनके पहले दौर की कविताओं में नदी, पहाड़, सूरज, चांद, जंगल, झुरमुट आदि मौजूद हैं और सभी तत्कालीन समाज को प्रकट करने वाले विशेष संदर्भ को प्रस्तुत करते हैं। प्रकृति के प्रति और मानवता के प्रति यह लगाव उनकी कविता को अद्भुत सौंदर्य से भर देते हैं। उनकी कविताओं में इतिहास के पात्र और स्थानों का चित्रण है। उनकी ऐतिहासिक लगने वाली कविता में इतिहास तत्कालीन परिस्थितियों को प्रस्तुत करने का माध्यम होती है, जो केवल इतिहास न रहकर समकालीन चेतना का स्वर होती है। उनके काव्य संग्रह मगध में ऐतिहासिक स्थान मगध में तत्कालीन व्यवस्था का चित्रण है, जहाँ छींकने तक की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि छींकने पर मगध की शांति भंग होती, कोई आवाज नहीं उठाता इस डर से कि कहीं मगध की व्यवस्था चौपट न हो जाए। इस बहाने से कवि तत्कालीन व्यवस्था पर चोट करते हैं। इस तरह से उनकी कविताएं इतिहास बोध का प्रमाण होती है। उनकी कविताओं में बेसहारा और शोषित होकर जीने को मजबूर आम जनता के दयनीय स्थिति का चित्रण है। भौतिक समृद्धि के लिए दौड़ते भागते लोगों की दीनता का चित्रण है। वे आम जनता का पक्ष नहीं लेते और ना ही व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाते। वह अपने भाव को इन बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से पाठक में संवेदना जगाने का कार्य करते हैं। श्रीकांत वर्मा के काव्य सृजन का दौर उत्कर्ष पर था। उस समय युद्ध के बाद जो स्थितियां बनी थी उससे चारों ओर निराशा ही निराशा थी। जन मन को कविता में व्यक्त करने की क्षमता उनमें थी। उस दौर की स्थितियों को, लोगों के मन स्थिति को पूरी ईमानदारी से उकेरने का साहस भी उनमें था। तत्कालीन समाज में चारों ओर व्याप्त निराशा को उनकी कविताओं में देखा जा सकता है। वस्तु स्थिति का बारीकी से निरीक्षण करना, उसकी समीक्षा करना और फिर कविता में अभिव्यक्त करने का उनका अंदाज उन्हें अपने समकालीन कवियों से बिल्कुल अलग कर देता है। हिंदी के आधुनिक काव्य के इतिहास में मुक्तिबोध और श्रीकांत वर्मा ऐसे उदाहरण है जिनकी कविताओं में संघर्ष से उपजा हुआ द्वंद्व और तनाव सबसे ज्यादा है। साहित्य के क्षेत्र में मुक्तिबोध उनके प्रेरणा पुरुष रहे हैं। मुक्तिबोध से ही उन्होंने साहित्य में संघर्ष करना सीखा। मुक्तिबोध की कविता में द्वंद्व और तनाव को मार्क्सवाद के ऐतिहासिक भौतिकवाद की वैचारिक सरणी में रखकर समाज की व्याख्या करते हैं। तो श्रीकांत वर्मा अपनी कविता में अपनी उत्कट निजता और सामाजिकता दोनों में इस द्वंद्व को देखते हैं। इस काव्य संघर्ष को उनके आरंभिक दौर की कविताओं में और भटका मेघ, माया दर्पण, दिनारम, जलसागर एवं मगध काव्य संग्रहों में एक साथ देखा परखा जा सकता है। इन कविताओं में व्यक्तिक ऊहापोह, निराशा, हताशा, आक्रोश, ध्वंस, प्रेम और बेचैनी भरे अंतहीन द्वंद्व की परिणति दिखाई देती है। इस द्वंद्व की अंतिम परिणति मगध में व्यक्तिकता से निर्व्यक्तिकता की ओर संचालित होती है, जहाँ व्यक्तिगत द्वंद्व अंततः राजनीतिक और सामाजिक द्वंद्व में समाहित हो जाता है। उनमें देश की वर्तमान व्यवस्था को परिवर्तित करने और समाज में विघटित होते नैतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की तीव्र उत्कंठा थी। केवल साहित्य से ऐसा कर पाना संभव नहीं था। उन्होंने इसलिए साहित्य सृजन के साथ साथ राजनीति की राह पकड़ी। जीवन के अंतिम वर्षों में अपने डायरी के पन्नों में उन्होंने वर्तमान व्यवस्था से असहमति के साथ साथ घृणा भी जताई है। इसकी पुष्टि उनके काव्यों में देखने को मिलती है। उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभवों का जितना ईमानदार, सजग और खरा बयान अपने काव्य संग्रह मगध में किया है, उससे यह स्पष्ट है कि वे व्यवस्था के साथ कभी समझौता नहीं कर पाए। श्रीकांत वर्मा ने समाज में व्याप्त मूल्यहीनता और अनैतिकता को नष्ट कर मूल्य की प्रतिष्ठा और नैतिकता की स्थापना करना चाहते थे। अपने काव्य के तीखे प्रहार से उन्होंने आम जनता और नेता के साथ साथ उन चाटुकार साहित्यकारों को भी नहीं छोड़ा जो अपने प्रेयसी के केश जाल में उलझे हुए थे। वे भ्रष्ट व्यवस्था को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने का उपाय ढूंढ रहे थे।
मगध काव्य संग्रह में संकलित कविता तीसरा रास्ता भी उस रास्ते को तलाशने का प्रयास है जो समाज और साहित्य के लिए अर्थवान और निर्णायक सिद्ध हो सके। उनके काव्य भी निराशा, हताशा, क्षोभ, उदासी, ग्लानि, संताप जैसे नकारात्मक भावों का चित्रण है। इन परिस्थिति जन्य भावनाओं से, समस्याओं से वे कभी उबर नहीं पाए। उनके शब्दों में मैं बसंत की तलाश में हूँ, मेरी रचनाओं में बसंत नहीं आया। उनमें ग्लानि है, संताप है, दुख है, पीड़ा है, आक्रामकता है, भय है, मृत्यु है। अगर मैं चाहूँ तो यह कह सकता हूँ कि यही इस युग का सत्य है। श्रीकांत वर्मा की कविताओं में निरंतर चलते रहने की, यात्रा करते रहने की प्रेरणा है। उनके काव्य संसार में यात्रा शब्द का बार बार आना इसका प्रमाण है, जिसमें वे कभी जंगल में बने पगडंडियों की यात्रा करते हैं तो कभी नदी नालों पर बने पुल की यात्रा की बात करते हैं। यही यात्रा उनके जीवन की आस्था और संघर्ष का परिचायक भी है। वे जड़ बने रहना नहीं चाहते, हमेशा यात्रा के लिए उत्सुक दिखाई देते। इस यात्रा के लिए वे आजीवन संकल्पित और संघर्षरत रहे, जो उनके काव्य की विविधता को नया आयाम देता है। अंत में श्रीकांत वर्मा का काव्य संसार तत्कालीन समाज का प्रतिबिंब है, जिसमें समाज में व्याप्त हर परिस्थिति का चित्रण है। उनकी कविता में नाराजगी, असहमति और विरोध के स्वर तेज है। सामाजिक कर्म की कविता में नैतिक क्षोभ से उपजे सामाजिक हस्तक्षेप के वे दुर्लभ कवि। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से समकालीन व्यवस्था का सजीव चित्रण किया है। नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का प्रयास कर उन्होंने अपने कवि होने के दायित्व का निर्वहन किया है। धन्यवाद।